बर्थडे वाले दिन हम जा रहे हैं डॉक्टर को मम्मी का चेकअप करवाने, वो देखेंगे स्टिचेस का क्या हाल चाल है। तो अभी मैं, मन्नू और मम्मी निकल चुके हैं, अपना मम्मी से मिलवा देते हैं। आप मम्मी को हैप्पी बर्थडे विश कर देना गाइस। और भाई लीलू और गाइस कैसे हो गाइस? आप गाइस मन्नू से भी मिल लीजिए। तो बस गाइस अब निकलते हैं, हाँ जाते हैं और मिलते हैं। और गाइस हाँ, एक सरप्राइज है मम्मी के लिए जो मैंने ऑर्डर किया, बड़ा फनी सा सरप्राइज है। मम्मी ने सोचा नहीं होगा, लेकिन जब वो आएगा ना तो मतलब, वैसे तो उसकी डिलीवरी कल थी लेकिन आज आ गई है। देखो भगवान की कृपा, भगवान ने कहा व्लॉग बुरा नहीं जाने दूंगा तो अपना वो सरप्राइज आएगा। मैंने भूमि से बोल दिया, भूमि उसको ले लेगी और फिर उसका देखते हैं क्या करते हैं, फिर दिखाते हैं क्या था। और क्या मम्मी से पूछेंगे पहले क्या सोच रही हैं, अभी हो आए फिर बताएंगे। बाय। रास्ते में मैंने अपने लिए ना गार्लिक ब्रेड और कोल्ड कॉफी पैक करवा लिया, ये रही अब ले लिया, चलते हैं। मम्मी मन्नू यहाँ वेट कर रहे हैं। घर आ गए हैं, हमको डॉक्टर आज मिले नहीं, वो कहीं गए हुए हैं आउट ऑफ टाउन। तो भाई अब हम ड्रेसिंग करवाया है, जो मम्मी की यूनिट है उन्होंने कहा वो डॉक्टर ही देखेंगे, वो ही बताएंगे। बाकी सब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि सब काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब रिकवरी हीलिंग सब कुछ अच्छे से हो रही है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, मतलब अब सही है सब कुछ, बस ये रेस्ट तो आपको करना ही पड़ेगा जो मम्मी कर रही हैं पूरे बेशुमार से और क्या कहते हैं, और मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ कि मम्मी सही हो तो हम थोड़ा रेस्ट करें फिर तो बस अभी अभी आ गई है मम्मी, चीकू कैंडी भी नॉर्मल हो गई है, और ये आपको चीकू दिख रही होगी, मम्मी भी दिख रही होगी। और बस अभी ज्योति दी को बुला लिया है और वो दलिया बनाएंगी, मीठा दलिया। मैं भी खाऊंगी, मम्मी भी खाएंगी, क्योंकि सुबह लंच मैंने पापा को पैक करके दे दिया था, हमें लगा पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा तो लंच दे चुकी हूँ। बस अब यही मम्मी का गिफ्ट आ गया है, लेकिन मम्मी को पहले ही पता चल गया कि क्या गिफ्ट है मम्मी आपको पता चल गया है ना? हाँ गाइस, पहले तो मैं पूछती रही इससे क्या गिफ्ट है क्या गिफ्ट है, ये कह रही सरप्राइज है, तो वो आपके यूज का है। मैंने कहा यूज में चलो देखते हैं क्या आता है, फिर मैं अभी पूछ रही थी तो कह रही है सबके यूज का है। तो बाथरूम में मैंने बाल्टी वाला सेट जो है वो चेंज करना था, तो मैंने कहा वही मंगवाया है, फिर उसमें इतना ही मम्मी के लिए। मम्मी बोल रही थी मैंने इंस्टा पे देखा है बाथरूम के लिए ना नीली ब्लू कलर की बाल्टी होनी चाहिए, बकेट यूज होनी चाहिए, हमारी वाइट है और हम अपनी बकेट से पक भी गए हैं। तो मैंने उस दिन मैं ऑर्डर कर रही थी, फिर मैं किसी काम पे मैं भूल गई उसको ऑर्डर करना, फिर अभी दो चार दिन पहले ना वो मेरी कार्ट में थी, मैंने कहा मम्मी का बर्थडे नहीं आने वाला तो मम्मी के लिए यही गिफ्ट कर दो। अब मैं इसको खोलती हूँ, आपको बकेट दिखाती हूँ। गिफ्ट की अनपैकिंग हो चुकी है, आप भी देख लो गिफ्ट। हाँ अनबॉक्सिंग हो चुकी है, आप भी देख लो। थंबनेल बनेगा मम्मी, लो हैप्पी बर्थडे। इसमें आपको बैठना है, ये लीजिए क्या आज का थंबनेल यही है गाइस, हैप्पी बर्थडे गिफ्ट। अब वापस दे दीजिए हमको।
गाइस अब इसको यहीं रख देते हैं अंदर और कल से यूज करेंगे। गाइस अब फाइनली केक कटेगा, सब में बटेगा। ये है केक की फोटो, ये है मम्मी की फोटो। केक ले लो। हैप्पी बर्थडे। वेट करिए, मन्नू आ रहा है, फिर हम केक काटेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. टेस्टी है ना? हो गया गाइस केक कट। क्या ही था टेस्टी केक है गाइस, टेस्टी केक है। अब हम कटेगा, नीलू खाएगी तो हम खाएंगे। अब इसको काटते हैं और सबको देते हैं। यहाँ पे गप्पे चल रहे हैं। अब मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। मैं ग्रीन टी पी रही हूँ, मम्मी चाय पी रही है, मन्नू खाना खा रहा है, पापा चाय पी रहे हैं और भूमि मिट्टू कुछ नहीं खा रहे। तो बस बातें कर रहे हैं। अब मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस। और मम्मी को बर्थडे विश कर देना। बाय।